लोकतंत्र के इतिहास में देश को शर्मसार करने वाली घटना कल हुई और लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस विधानसभा के अंदर घुसकर और 12.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधियों को एक अपराधी की तरह, एक दुर्दांत अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश की और उसके साथ मैन हैंडलिंग किया। सारे प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया गया और ऐसा करवाने वाली यह सरकार अभी तक उन्हें बिल्कुल शर्मसार महसूस नहीं कर रही और उन्हें जो माफ़ी मांगना चाहिए था उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन एक कार्रवाई जो है वो सदन के अंदर चल रही है और दूसरी कार्रवाई जो है वो सदन के बाहर भी चल रही है। तमाम विपक्षी दल के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर ही अपनी कार्रवाई चला रहे हैं। और जिस तरह से आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो भूदेव चौधरी जो हैं वो अध्यक्ष की भूमिका में हैं और सीधे तौर पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लोगों से उनकी बातों को सुन रहे हैं और कार्रवाई चलाने की बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो कार्रवाई है, जो पूरी तरह से जो कार्रवाई का दृश्य है वो देखने को मिल रहा है और लोग भूदेव चौधरी को अध्यक्ष पद पे जो है वो बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर लोग उनसे बातें कर रहे हैं। तो हमारे साथ इसी सब विषय पे बातचीत करने के लिए आलोक मेहता जी हैं। सर, कल जो कुछ भी हुआ सदन के अंदर उसको कैसे देख रहे हैं? सर, लोकतंत्र के इतिहास में देश को शर्मसार करने वाली घटना कल हुई और लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस विधानसभा के अंदर घुसकर और 12.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधियों को एक अपराधी की तरह, एक दुर्दांत अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश की और उसके साथ मैन हैंडलिंग किया। सारे प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया गया और ऐसा करवाने वाली यह सरकार अभी तक उन्हें बिल्कुल शर्मसार महसूस नहीं कर रही और उन्हें जो माफ़ी मांगना चाहिए था उसकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रही है। तो यह खिल्ली हम विपक्षियों की नहीं, बिहार की 12.5 करोड़ आवाम की खिल्ली उड़ाई जा रही है और उसी के प्रतिकार स्वरूप आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। प्रतिरोधात्मक रूप में हम एक पैरेलल विधानसभा यहाँ चल रही है, आपने देखा, और यह एक प्रतीकात्मक विधानसभा है जो सरकार को आईना दिखाने के लिए। सर, आप लोगों पर भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर की आप लोगों ने घेराव किया। प्रजातंत्र में घेराव, धरना, प्रदर्शन, यही तो खूबसूरती है। यदि सत्ता पक्ष को यह दंभ है कि उन्होंने येन केन प्रकार से बहुमत ले लिया तो विपक्ष के पास यही हथियार है कि वह धरना प्रदर्शन बंद इसी के माध्यम से अपनी बातों को, अब वो उसके बाद उस और वो तब जबकि सरकार बहरी हो चुकी हो तो सुनाने का यही रास्ता होता है और प्रजातंत्र में यह रास्ता बिल्कुल अलाउड है। इन तमाम गतिविधियों पर सरकार कानून के माध्यम से अंकुश लगाना चाहती है। कल तो बिल्कुल काला दिन माना जाएगा विधानसभा के इतिहास में कि उन्होंने सारी सीमाओं को पार कर दिया और सरकार इसके लिए माफ़ी मांगे और दोषी पदाधिकारियों को बर्खास्त करें, इसी बात की मांग को लेकर हम आज बैठे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये विधेयक जो है इसको लेकर विपक्ष जो है वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं। यह सरकार भ्रमित करने की कोशिश कर रही है जनता को। इसमें यह भी है कि उस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कहीं भी हो सकता है जैसा सरकार निर्णय लेगी। व्हाट इज दिस, ये क्या है? आज ब्लॉक स्तर पर इतना भ्रष्टाचार है, धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग गए और उस फोर्स को भेजकर उसके साथ किसी सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। यदि आज तो पंचायत भवन भी सरकारी भवन ही है तो प्रजातंत्र, हम कह रहे हैं कि सेक्रेटारिएट में जो कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय नहीं होता, वो धरना पर जाते हैं। आप इन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं? ये अपराधी हैं, ये क्रिमिनल हैं, इसी तरह का और उससे भी बदतर सलूक। अपराधी क्रिमिनल भी जो है उसके साथ कुछ होता है तो कोर्ट संज्ञान लेता है, लेकिन इसमें आपने क्या प्रावधान दिया? कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। तो ये पूरी तरह से अंग्रेजियत को भी मैंने छोटा कर देने वाला कानून है और ये काले अंग्रेज इस राज्य को
पूरी तरह से, और इस देश को तो पहले ही से ऊपर वाले लोगों ने बर्बाद कर रखा है, सारी सरकारी संपत्ति को बेच बेच के, और पता नहीं अदानी अंबानी की रक्षा करेंगे और ये किन लोगों की रक्षा करेंगे, इसका अंदाजा नहीं लगा। आगे की सर रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चलिए, संघर्ष जो है वो इनका नारा है और इसी तरह का संघर्ष जो है इनका चलता रहेगा। हालांकि विधानसभा से जो तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। कल भी जिस तरह का जो दृश्य है वो विधानसभा के अंदर देखने को मिला, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव किया गया और उसके बाद पुलिस फोर्स को भीतर बुलाकर तमाम विपक्षी पार्टियों के विधायकों को जिस तरह से विधानसभा के बाहर फिकवाया गया, ये कहीं ना कहीं तो विधानसभा के इतिहास में एक काफ़ी काला दिन के रूप में माना जा रहा है। और साथ ही साथ कहीं से ये अशोभनीय नहीं है, तो सीधे तौर पर तमाम विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं, सदस्यगण हैं, सभी लोग बाहर आ चुके हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारे लोगों से माफ़ी नहीं मांगती है तब तक हमारा संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।